हेलो डॉक्टर विक्रांत, हमें ज़रा पाइलोनिडल साइनस के बारे में बताइए प्लीज़। पाइलोनिडल साइनस, पाइलो मीन्स होता है बालों का गुच्छा, नडल मीन्स होता है नेस्ट। तो क्या होता है, जब बाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो स्किन को पेनिट्रेट करते हुए वे अंदर चले जाते हैं, रास्ते बनाता होगा, उस रास्ते को, उस टनल को हम पाइलोनिडल साइनस बोलते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम पार्ट होता है वहाँ पे होता है, वहाँ पे पिंपल जैसा अपीयर होता है, जिससे पस डिस्चार्ज कभी आता है कभी सही हो जाता है। तो ये एक साइन होता है पाइलोनिडल साइनस का। सर, हमने सुना है काफ़ी बड़े बड़े कट्स लगते हैं इस पे, पेशेंट सीधा नहीं लेट पाता है, उसके बाद भी दोबारा रिकरेंस हो जाता है। इसको ही ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही सिंपल और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाए हैं इसके ट्रीटमेंट्स के लिए, जो कि एडवांस LPP और शार्टसूत्रास प्रोसीजर्स होते हैं, वो डे केयर प्रोसीजर्स में मिनिमल डिस्कम्फर्ट्स के साथ किए जाते हैं। इसमें पेशेंट्स सेम डे घर जा सकते हैं। हमारे यहाँ पोस्ट ऑप जो केयर होती है बहुत स्ट्रांग रहती है। मैं खुद पर्सनली पेशेंट के टच में रहता हूँ और उनका ड्रेसिंग्स के लिए बुलाता रहता हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इसमें। तो पोस्ट ऑप ड्रेसिंग जब सही से होती रहती है प्रोसीजर्स के बाद, तो ये डिसीज जो होती है दोबारा भी नहीं होती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ही इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। थैंक यू सर।